हेलो गाइस, दिस इज़ MTR प्रोडक्शंस। और इस वीडियो में मेरे पास कुछ स्टॉक अवेलेबल था जिसको मैं फोटो मैनिपुलेशन में यूज़ करूँगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैंने ये एक वुडन बैकग्राउंड ले लिया जिसके ऊपर मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट्स प्लेस करूँगा। एंड देन उसके बाद ये है मेरा स्टॉक, सब कुछ जो भी मैंने प्लेस करना है, मेरे कैरेक्टर्स और ये ग्लोब सबसे पहले मैं प्लेस करूँगा। तो इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया मैंने। अब इस ग्लोब को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है। मैं इस तरह करूँगा कि सेंटर से इसको मैं रेज कर दूँगा और जो इसकी एजेस हैं उनको मैं रहने दूँगा, तो उससे वो एक ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली यही मुझे इफ़ेक्ट चाहिए था इसमें। और अब मैं अपना ग्राउंड जो है स्नो और माउंटेन्स ये मैं प्लेस कर दूंगा। एंड उसके लिए मैं अपने ग्लोब की सिलेक्शन करके एंड देन जब मैं अपनी जो इमेज है उसको मैं मास्क करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोब के अंदर फिट हो जाएगा। जो मुझे बाहर से इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम ऐसे ही मैंने अपने स्काई के साथ भी किया और उसको भी मुझे बाहर से इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया। और अब मैं अपने जो इमेज में माउंटेन्स हैं उनको थोड़ा ब्लर करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इमेज में हमारी डेप्थ आ जाए। और अब मैंने अपना फर्स्ट कैरेक्टर प्लेस कर दिया है एंड इसके बाद फिर मैं एक सेकंड कैरेक्टर प्लेस करूँगा, टेडी बियर। एंड देन अब हमारे ग्लोब के अंदर एक वुडन हाउस में प्लेस कर दूँगा और इसके साथ ट्रीज़ कुछ मेरे पास पड़े थे वो प्लेस करूँगा मैं। और आप देख रहे हैं मेरा जो भी ऑब्जेक्ट ग्लोब से बाहर अगर शो हो रहा है तो मैं सिंपली ग्लोब की सिलेक्शन लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करके उसको मैं क्लिक करता हूँ एंड देन मैं अपने जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मास्क ले लेता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो मास्क होता है वो ग्लोब के अंदर आ जाता है। और उसके बाद मेरे जो इमेज में ट्रीज़ हैं उनको मैंने ब्लर कर लिया एंड अब शेडोज़ देने के लिए मैं एक्सपोजर यूज़ करूँगा। तो शेडो मेरा काफ़ी डार्क है तो मैं उसकी जो ओपेसिटी है वो लो कर दूँगा। एंड अब मुझे ग्लोब के नीचे शेडो देना है। अब मैं शेडो इफेक्ट दे रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स का भी। मैं जितने भी शेडोज दे रहा हूँ वो सारे एक्सपोजर लेयर को ही यूज़ करके दे रहा हूँ। अब मुझे फायर प्लेस करनी है तो फायर प्लेस करने के लिए ये मैंने कुछ स्टोन्स थे वो प्लेस कर दिए। और मेरे पास फायर का ओवरले था और उसको मैंने स्क्रीन मोड पे करके प्लेस कर दिया। दूसरा फायर का ओवरले यूज़ करूँगा मैं। एंड अब मैं स्टोन्स के नीचे थोड़ा सा शेडो दे दूंगा ताकि थोड़ी सी रियल फील आए। और अब जो फ्लोर है वुडन फ्लोर उसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा।
तो बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ग्लोब को भी ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। सो उस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे जो अपना बैकग्राउंड है उसको डार्क कर देना चाहिए, एंड जो मेरा ग्लोब है वो ग्लो करेगा एंड फायर का भी ग्लोइंग इफेक्ट आएगा। और ये थोड़े से स्पार्क्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ग्लोब को ग्लो करने के लिए मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉलिड कलर। सेंटर से रिमूव कर दूंगा। सेम उसी तरह मैं अपनी फायर पर भी ग्लो इफेक्ट दे दूंगा। और अब मैं जो है अपने कैरेक्टर्स जो बियर है उसके ऊपर हाइलाइट्स दे दूंगा थोड़ी। और ये थोड़ा लाइट था तो इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा एक्सपोजर लेयर यूज़ करके, एंड देन उसके बाद हाइलाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड इसके बाद दूसरे कैरेक्टर की बारी है हाइलाइट्स की। तो एक साइड से मैं ब्लू हाइलाइट्स दूंगा इसको, और सेकंड जो दूसरी साइड है फायर वाली साइड उस साइड से मैं ऑरेंज हाइलाइट्स दूंगा। तो वो मैंने ह्यू सैचुरेशन से सिलेक्ट किया। और अब मैं स्नोफ्लेक्स प्लेस कर दूंगा अपने ग्लोब के अंदर। और फाइनली कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करके इमेज को फाइनलाइज कर दूंगा। सो गाइस, ये है हमारी फाइनल इमेज। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, और सजेशंस दिया करें ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।